सीएचएसएल, जैसा कि आप देख रहे हैं, सीएचएसएल 2018 में आईपीएल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसी के मद्देनज़र मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ जो फैक्ट्स है जो पूछे जा रहे हैं वो मैं बता देता हूँ काफ़ी नटशल में। तो इस फैक्ट्स में ये जान लीजिए कि आईपीएल में टोटल 8 टीम है और 2 टीम है जो लास्ट टाइम बैन कर दी गई थी, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, जो इस 2018 सीजन में वापस आ रही है। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं। पहली टीम जो चेन्नई सुपर किंग्स है जो वापस आ रही है, उसके कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, कोच है स्टीफन फ्लेमिंग जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और इनके ऑनर है एन श्रीनिवासन, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा। और ये आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है ये पूछा जाए कि चेन्नई सुपर किंग्स ने कितने बार ये टाइटल जीता है आईपीएल सीजन, तो आप ध्यान रखिए ये 2010 में और 11 में भी जीता था आईपीएल सीजन, ठीक है। 2 बार की विनर रह चुकी है चेन्नई सुपर किंग, एक बार लास्ट टाइम इसको हरा दिया गया था, मुंबई इंडियंस ने हराया था एक बार, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है दिल्ली डेयर डेविल्स, इनके कैप्टन है गौतम गंभीर और कोच है रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ऑनर ऑनर नेम तो इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ते हैं इसे। तीसरी टीम है किंग्स इलेवन पंजाब, इसके देखिए कैप्टन जो रविचंद्रन अश्विन, ये नया है इस सीजन में, रविचंद्रन अश्विन को कमान मिला है, और इसके कोच है ब्रेड हॉज, ये भी ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है, लेग स्पिनर थे, और इसके छोड़ते हैं इसे। कोलकाता नाइट राइडर 4th टीम, इसके कैप्टन है दिनेश कार्तिक, ये पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन भी पहली बार इनको कप्तानी मिला है किंग्स इलेवन पंजाब का, और दिनेश कार्तिक को भी, ये विकेट कीपर है दिनेश कार्तिक, और इस कोलकाता के कोच है जैक स्कैलिस। आगे देखते हैं दोस्तों, मुंबई इंडियंस, जैसा कि जान रहे हैं मुंबई इंडियंस ने 2013, 15, 17 3 बार की विनर रह चुकी है, ध्यान रखें। हो सकता है पूछा पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी टीम ने आईपीएल सीजन का टाइटल जीता है, तो इसको ध्यान में रखें। 2013 में भी, 15 में और 17 में 3 बार जीता है इन्होंने, और इनके कैप्टन है रोहित शर्मा, और मुंबई इंडियंस के कैप्टन, और महिला जयवर्धन कोच है, ये स्पॉन्सर्ड टीम है, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया है इसको। उसके बाद राजस्थान रॉयल है, राजस्थान रॉयल को बैन कर दिया गया था, अब इस सीजन में वापस आ चुकी है, और इसके कैप्टन स्टीव स्मिथ को बनाया गया, फर्स्ट सीजन के कैप्टन थे शेन वॉर्न, और इस बार स्टीव स्मिथ को कप्तानी मिला, लास्ट टाइम कोई और थे, शेन वॉर्न इसके कोच बन चुके हैं। देखिए फर्स्ट टाइम में शेन वॉर्न कैप्टन थे, बट अभी शेन वॉर्न कोच बन चुके हैं, और इसके स्पॉन्सर है मनोज बदाले, 2008 की विनर रह चुकी है फर्स्ट सीजन। देखिए ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में कि आईपीएल फर्स्ट सीजन 2008 की विनर कौन सी टीम है, तो आईपीएल फर्स्ट सीजन की विनर राजस्थान रॉयल्स थी। उसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, हमारे इंडियन कैप्टन विराट कोहली इसके कैप्टन है, डेनियल विक्टोरी कोच है, एक भी बार नहीं जीती है ये टीम। सनराइजर हैदराबाद, उसके बाद ये डेविड वार्नर उसके कैप्टन है, लास्ट टाइम भी एक डेविड वार्नर ही थे, टॉम मोडी उसके कोच हो गए, ये 2016 में विनर रह चुकी है सनराइजर हैदराबाद, 2016 में एक बार ही जीती है। उसके बाद देखिए राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को हटा दिया गया इस बार से, और गुजरात लायंस, जो कि मैंने बताया था आपको कि 2 टीमों को बैन कर दिया गया था अनफेयर मीन्स के लिए, जो कि राजस्थान रॉयल्स थी और एक चेन्नई सुपर किंग्स, तो उन टीमों के बदले में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और गुजरात लायंस को, बट चूंकि उनका बैन जो खत्म हो चुका है, तो इन 2 नई टीमों को हटा दिया गया और जो पुरानी टीम है उनको रिटेन किया गया है। तो ये फैक्ट्स ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कौन सी 2 नई टीमों को इस बार हटाया गया है और कौन सी 2 पुरानी टीमों को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि बैन हुई थी कुछ वजह से, वो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स एंड गुजरात लायंस बोथ टीम्स आर डिसमिस्ड बाय द आईपीएल मैनेजमेंट, दे प्लेड इन आईपीएल फॉर 2 ईयर्स ओनली, सो द डिटेल्स अवेलेबल ऑन द बेस्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस, और इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, इतना ही जानिए, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेशनल फ्लैग्स जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उसको मैं बनाता हूँ, और जो कि आपको हेल्पफुल होगा, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से भी आ रहे हैं।
तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।